मेरा नाम है दीपिका कुमारी। मेरे पिताजी का नाम मालिक सिंह। मैं सिमडेगा जिला से आई हूँ। मेरा प्रखंड कोलेबीरा है, पंचायत टूटीकेल। मैं यहाँ आने से पहले अपने घर में रहती थी अपना फैमिली के साथ और घर का ही काम करती थी। यहाँ आने से पहले अपने घर में रहती थी, फिर उसके बाद पता चला कि फ्रेंड लोग के द्वारा पता चला कि यहाँ कल्याण गुरुकुल कांके में SMO का ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैं अपने फ्रेंड से सर लोग का नंबर मांगी और बात की, फिर पता चला कि यहाँ सच में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो हम यहाँ आए, फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ बहुत ही अच्छा से जो भी रूल है, रूटीन है, यहाँ का रहने का, खाने का, पीने का, ट्रेनिंग का जो भी है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। मैं घर में बस वैसे ही बैठी थी, तो मैं सोची कि बाहर जाके कुछ करूँ, सीखूँ, उसके बाद अपना फैमिली की मदद करूँ। इसीलिए मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी फील हुआ और मैं यहाँ आके SMO का ट्रेनिंग शुरू की। और यहाँ जो हमारी रुखसाना मैम हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। जो भी सिखाए गए, जो भी बताए गए, वो बात हमें पूरा अच्छी तरह से सीखने का मौका मिला। अगर ये हम घर में ही रहते तो हमें सीखने का मौका नहीं मिला। इसीलिए हम यहाँ आके बहुत अच्छी तरह से सीख पाए। और यहाँ आने से पहले हम अपना घर का कुछ भी हेल्प नहीं कर पाते थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ ट्रेनिंग के बाद, बाहर जाने के बाद हमें जब जॉब मिल जाएगी तो हम अपना घर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आर्थिक स्थिति की वजह से मेरी पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा भाई बहन जो भी है उसके साथ यही हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई बहन जो भी है उसके साथ मैं अपना जो भी काम करके पैसा दूंगी, उसे उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो और वो आगे बढ़ सके, हमसे कुछ ऊँचा लेवल कुछ कर सके। इसीलिए मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। और यहाँ से जब बाहर जाऊँगी तो हमें तमिलनाडु नाची टेक्सटाइल करूँ में जॉब दी जाएगी। और जब जॉब ले लूँगी मैं, तो बहुत ईमानदारी से जितना मन लगा के मैं काम करूँगी वहाँ। और वहाँ काम करने के बाद जो भी मेरी सैलरी आएगी, उसे अपने लिए बचा के और प्लस मेरा फैमिली वाला को दे के उनकी जो भी ज़रूरत है वो अपने पूरा कर लेंगे।